तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो आपको काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। एंड इवन मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रॉक लेसनर इस बार ओल्ड लुक में आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पहले वाले बीस इनकार्नेट देखने को मिलते थे। एंड इसके पीछे का रीजन ये भी है कि ये ब्रॉक लेसनर का मे भी आखिरी रन होने वाला है। आखिरी रन मतलब आखिरी कुछ साल WWE में ये उनके होने वाले है, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर भी खुद यही चाहेंगे कि वो अपने पुराने लुक में आए, ना कि बेर्ड और पोनी टेल वाले लुक में। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि है हमारे रेसलमेनिया 41 से। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, अंडरटेकर ने यहाँ पे खुद रिवील कर दिया है कि रेसलमेनिया 41 कब और कहाँ होने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, अंडरटेकर ने खुद रिवील किया कि वेगास में अगले साल रेसलमेनिया जो है वो होने वाली है। एंड मैं इस वक्त पॉज ले रहा हूँ बोलते, वैसे अंडरटेकर ने भी पॉज लिया था एंड फिर जाके उनको रियलाइज हुआ कि भाई कुछ गलत बोल दिया है उन्होंने, और कुछ ऐसे ही उन्होंने अनइंटेंशनली टीज कर दिया, मतलब बता दिया कि रेसलमेनिया 41 कब होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर रोमन रेंस के बहुत बड़े फैन हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने लिए नहीं भाई, ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर और रोमन रेंस के लिए बोल रहा हूँ, तो कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि WWE से सबसे पहले अपडेट्स आपको मेरे ही इस चैनल पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते जो कि रॉक एंड रोमन रेंस के मैच से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, रिकी सी ने यहाँ पर ये बोला है कि तो रॉक जो है वो टर्न करने वाले हैं रोमन रेंस पर, ना कि रोमन रेंस टर्न करेंगे रॉक, जिसकी वजह से रॉक जो है वो हील होंगे इस फ्यूड में और जो रोमन रेंस है वो बेबी फेस होने वाले हैं इस फ्यूड में। एंड भाई मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि रॉक वर्सेज रोमन रेंस का आपको मैच देखने को मिल सकता है एट सर्वाइवर सीरीज, जिसमें टीम रोमन रेंस और टीम रॉक के बीच में कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है, मतलब सिनेरियो क्या मैच ही देखने को मिल सकता है आपको एट सर्वाइवर सीरीज। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, मुझे पता है वीडियो काफी छोटी है क्योंकि भाई तुम लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो ना ही कमेंट करते हो, तो भाई फायदा ही क्या है ना। लेकिन अगर आज तुम इस वीडियो में अच्छे खासे लाइक कर देते हो तो समर स्लैम से रिलेटेड एक स्पॉइलर है मेरे पास, तो अब देख लो क्या करना है इस वीडियो के साथ। वैसे WWE से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट्स तो तुमको मेरे चैनल पर देखने को मिलती है।